और अब कांग्रेस की लिस्ट की बात करते हैं। दूसरी लिस्ट कल आने का अनुमान है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान भी दिया है, कल बाकी बचे 5 प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। बाकी बचे 5 नामों पर सहमति बन चुकी है। कल सीईसी की बैठक के बाद नाम सामने आएंगे। मेरे चुनाव लड़ने पर हाईकमान फैसला करेगा, ये भी दीपक बैज ने कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहली सूची जारी हो गई है और 5 नाम अभी और बचे हैं, कब तक वो नाम आ जाएंगे? संभवतः कल दूसरी सीईसी का मीटिंग है और जो हमारे 5 नाम बाकी हैं 5 लोकसभा में, वो संभवतः कल के सीईसी में फाइनल हो जाएगा। काफी मुस्कुरा रहे हैं सर, और ये आपके ऊपर जो है काफी फोकस है कि दीपक बैज लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और हर बार जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो इसी मुस्कुराहट के पीछे आप बहुत चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब तो चूंकि कल नाम आने ही वाला है, तो देखिए, अब तो कल नाम आ जाएगा तो सवाल नहीं है, पूरा प्रदेश देखेगी। नंबर एक सवाल दीपक बैज का लड़ने और नहीं लड़ने का नहीं है, सवाल है हम देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, देश की युवाओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी आएगा कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और यह है कि कल हम चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द सूची आ जाए, और जो बाकी शेष 5 नाम भी है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई संशय नहीं है, लगभग पूरे नाम क्लियर है। बस सीईसी का मुहर लगना है, कल मुहर लग जाएगा तो वो नाम भी क्लियर हो जाएंगे। अरुण साहू कह रहे हैं कि सब हारे हुए जो चेहरे हैं उन पर दाव लगा रहे हैं इसका। देखिए, चुनाव में कोई जीतना हारना सवाल ही नहीं है, सवाल है मुद्दे की, सवाल है देश की, सवाल है संघर्ष का। क्या भारतीय जनता पार्टी जहां 50-52 से क्या 15 में नहीं आई थी? क्या उनके लोग विधानसभा चुनाव में जो हार गए थे उसको टिकट नहीं दी, आज सरकार बनाई? सवाल हारना और जीतना नहीं, सवाल। तो वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट में 39 सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 6 पर प्रत्याशी घोषित हुए, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम है। बघेल को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। लिस्ट में पूर्व सीएम सहित 2 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व विधायक और कोरबा सांसद का नाम शामिल है। रायपुर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में। तो राजनांदगांव से अब जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में भूपेश बघेल हैं। हालांकि वो केंद्र में अभी नहीं जाना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं अब आलाकमान ने फैसला लिया है तो अब ये चुनाव वो लड़ेंगे, और राजनांदगांव से उनके नाम को चुना गया है। राजनांदगांव से वो मैदान में होंगे। हालांकि फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका मिल सकता है, ओबीसी वर्ग से आते हैं और बड़ी संख्या में वहां पर ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो इसका फायदा साफ तौर से कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है अपनी तरफ से वो ओबीसी नहीं है, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से मिलेगा, सोच समझ करके ये बड़ा फैसला जो है कांग्रेस ने लिया है। आगामी चुनाव बताएंगे कि आखिर ओबीसी फैक्टर कितना प्रभाव आखिर डालता है राजनांदगांव में। जो चेहरे पर भरोसा जताया गया है वहां पर भूपेश बघेल आखिर किस तरह जीत हासिल करते हैं, कितना दम वहां पर दिखाना पड़ता है, ये वक्त दिखाएगा। फिलहाल ये जो नाम है फ्लैश हो रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि इन्हें मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है।